अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जसपुर इकाई ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी बोले, सरकार है कि हाईकोर्ट के आगे भी बहाने बनाने से नहीं चूकती। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टेशन के बरसात के पानी को लेकर लोगों ने किया हंगामा। कोटाबाग बैगर नाला बना रामनगर युवक के लिए काल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज ने निकाली मशाल यात्रा। मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, प्रशासन ने आपदा मद से बांटी राहत राशि। डॉक्टर की लापरवाही से हुई महिला की मौत। हल्द्वानी में भारी बारिश और अतिवृष्टि के बाद दिखे तबाही के मंजर। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर अवैध पार्किंग पर होगी कार्यवाही। गौरापड़ा में 18 दिन से धरने पर ग्रामीण, नहीं है कोई सुनने वाला। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य अंतिम चरण पर। मंगल कलश यात्रा के साथ ऋषेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। विवाद के चलते कोतवाली में ही लड़ गए दो पक्ष। विधानसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने साधा भाजपा पर निशाना। सीएम धामी ने विपक्ष से सदन में सकारात्मक रुख अपनाने की करी अपील। सुरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने पर लोगों ने जताया आक्रोश। विवादित शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना।